हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोनू मॉडल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी विधायक रविंद्र सिंह भाटी की, जो निर्दलीय उम्मीदवार युवा शक्तियों के भरोसे जीतते हैं। जो युवा शक्ति है, इन्होंने युवा शक्तियों को इतना मजबूत कर दिया कि कोई भी चुनाव अगर ये निर्दलीय खड़े हो जाए तो युवा शक्ति इन्हें इतना प्रेम करती है कि इन्हें फट से जिता देती है। ये रविंद्र सिंह भाटी जो आप देख सकते हो, इनकी मात्र उम्र ज्यादा नहीं है, 27-28 साल के ये युवा, जो आज पूरे राजस्थान के अंदर सरकारों को इन्होंने जो हिलाकर रखा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी अपन पार्टियों की बात नहीं करते, अपन अपने भाई रविंद्र सिंह भाटी की बात करेंगे ओनली, क्योंकि इन्होंने जो युवा शक्तियों को मजबूत किया है। पहले तो छात्र संघ रविंद्र सिंह भाटी जोधपुर में जेएनयू में 2019-2022 के बीच में, बल्कि छात्र हितों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। मैं आपको बता दूं कि जय नारायण विश्वविद्यालय, जैसे कि आप जानते हैं, 2019-2022 में जब चुनाव ये जीते निर्दलीय उम्मीदवार बनके, जब इन्होंने चुनाव जीते थे, तब से ये युवा शक्तियों के बीच में राज कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 2019-2022 के बीच में ये जय नारायण व्यास में आप प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष रह चुके हैं। और रविंद्र सिंह भाटी जो बाड़मेर जिले से आते हैं, आपको बता दूं उनका जन्म जो 12 मार्च 1990 में है, यानी मात्र ज्यादा इनकी उम्र नहीं है। ये युवा जो बढ़ते मतलब उभरते हुए सितारे हैं युवा साथियों के, जो अपनी बात दिल्ली तक रखने की हिम्मत रखते हैं, मोदी तक भिड़ने की हिम्मत रखते हैं। रविंद्र सिंह भाटी सिर्फ विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। और बता देता हूं कि ये बिल्कुल साधारण परिवार से आते हैं। बाड़मेर जिले के छोटे से कस्बे में इनका जो गांव है दुदेवाड़ा जो गांव है, वहां से ये रविंद्र सिंह भाटी आते हैं। और ये है निर्दलीय उम्मीदवार है। जब इन्हें टिकट नहीं मिलती है तो ये निर्दलीय उम्मीदवार बन के खड़े हो जाते हैं। और जो युवा साथी इन्हें प्रेम करते हैं, वो युवा साथी इनको इतना प्रेम करते हैं कि इन्हें निर्दलीय उम्मीदवार में भी इतनी भारी जीत घोषित करवा देते हैं कि ये जीत जाते हैं बस युवा साथियों के भरोसे। और ये 36 कौम के साथ लेकर चलने वाले युवा रविंद्र सिंह भाटी है। 36 कौम को लेकर चलने वाले युवा साथी रविंद्र सिंह भाटी है, जो सी विधायक है, फिलहाल में सी विधायक है। और अभी मैं आपको बता देता हूं कि रविंद्र सिंह भाटी ने इन 3 महीनों में शिव के लिए बहुत कुछ किया है। और ये आप देख सकते हो, ये जो भीड़ दिख रही है यहाँ पे, आपको देखने को मिलेगा कि रविंद्र सिंह भाटी ये यहाँ पे बीच में, जहां पे मैंने जो राउंड किया है उसके अंदर रविंद्र सिंह भाटी आपको दिखेंगे। और ये जो भीड़ इन्होंने इकट्ठा किया है, ये लोगों के दिलों में इन्होंने राज किया है, विश्वास जताया है। क्योंकि जब जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में ये छात्र हितों के लिए लड़ते थे, तो पुलिस वाले इन्हें बार बार अंदर भी डाल देते थे, कभी लाठीचार्ज होता था। तो इन्होंने विश्वास तभी से बना रखा है, तभी आज युवा साथी हर एक युवा साथी रविंद्र सिंह भाटी बनना चाहता है। रविंद्र बनके इनके लिए काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि इन्होंने विश्वास जताया कि मैं आपके समक्ष खड़ा हूं, आप मुझे बताइए कि आपकी समस्या क्या है। कॉलेजों से लेकर आज चुनाव, जो कांग्रेस बीजेपी पार्टियों के जो बड़े बड़े चुनाव होते हैं, उन्होंने उन पार्टियों के अंदर ये हिस्सा इन्होंने लिया है। बल्कि इन्हें जब बीजेपी का या कोई टिकट जब नहीं मिला, तो इन्होंने सोचा कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा रहूंगा। क्योंकि हर बार जब निर्दलीय उम्मीदवार ये खड़े रहते हैं, तो ये निर्दलीय उम्मीदवार बनके भी जीत जाते हैं युवा साथियों के भरोसे। युवा साथी, युवा शक्ति इनकी मजबूत है। युवा शक्ति हर एक बंदा इनसे प्रेम करता है। जितने भी 18 से लेके 20, 21, 22 साल के जितने भी युवा जो काम कर रहे हैं, जो छात्र हैं, जिनका वोट लगता है 18 से प्लस जो भी है, वो सभी के सभी रविंद्र सिंह भाटी को वोट देना चाहते हैं, रविंद्र सिंह भाटी बनना चाहते हैं। क्योंकि उनको एक विश्वास हो गया कि यही बंदा है जो हमारे लिए कुछ कर सकता है। तो मैं ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं करते हुए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह जो रविंद्र सिंह भाटी है, जिसने हर एक स्टेट के अंदर, हर एक जिले में जाकर इतनी भीड़ इकट्ठा कर दी कि लोगों को पहले तो ये नहीं पता था कि रविंद्र सिंह भाटी ऐसी क्या चीज है, जो आज मतलब पूरे राजस्थान के अंदर इन्होंने हंगामा मचा रखा है। इनकी रैलियों में जनसैलाब हो जाता है, इनके नामांकन में इतनी सारी भीड़ हुई, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो भीड़ देख रहे हो, ये 5-6 लाख लोग यहाँ पे, 5-6 लाख लोगों में, अंदाजे से बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, आईडिया से 4-5-6 लाख लोग, ये भीड़ आप जो देख रहे हो नामांकन रैलियों में, जब इनका नामांकन हुआ चुनाव के लिए तब। और मैं आपको बता दूं, अपन ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, कि इनका जो चुनाव चिन्ह जो है, लकी नंबर 9 नंबर, इनका जो 9 नंबर बैलेट नंबर जो है वो आ चुका है, यानी सेव एप्पल, जो एप्पल अपन खाते हैं, ये इनका चुनाव चिन्ह है। तो आपको कुछ नहीं खाना, एप्पल को खाना नहीं,
पर बल्कि आपको एप्पल को दबाना है। रविंद्र सिंह भाटी को जिताने के लिए आपको एप्पल को दबाना पड़ेगा और 9 नंबर पे जाके दबाना पड़ेगा। तो फोकस रखें कि 9 नंबर जो दिख रहा है आपको इस पे सेव मरना होगा। अपनी भाषा में अगर बात करें हिंदी भाषा में कि सेव यानी एप्पल, समझ रहे हो, सेव को आपको दबा के आना है और रविंद्र सिंह भाटी को जिताना है। तो सभी जितने भी मेरे युवा साथी मुझे देख रहे हैं, मेरे जितने भी भाई ये वीडियो जिन तक पहुंच रहा है, उन सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि अगर रविंद्र सिंह भाटी अगर जीत गया तो बाड़मेर बालोत्रा जो उनके आसपास का जितना भी एरिया है या पूरे राजस्थान में जितने भी युवा साथी है उनके लिए वो क्या कुछ करेगा, वो आपको रविंद्र सिंह भाटी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोगों को पता है। क्योंकि आज युवा दिलों की धड़कन में एक एक बंदे के दिल में रविंद्र सिंह भाटी बसा हुआ है। बच्चा बच्चा जानता है कि रविंद्र सिंह भाटी कौन है, क्योंकि इन्होंने अपनी मातृभाषा को, अपनी मातृभाषा को, अपनी गांव की भाषा को इन्होंने पूरे देश में सुनाया है लोगों को कि अपनी भाषा में लोगों को किस तरीके से बताया जाता है। कई दिक्कतें आती है लेकिन फिर भी इस बंदे ने अपनी भाषा नहीं छोड़ी, इस बंदे ने अपनी भाषा नहीं छोड़ी, अपनी जैसी गांव की भाषा है उस भाषा को इस तरीके से लोगों को दिलों के अंदर बैठाया है कि लोग इसे पसंद करने लगे। वो भूल गए एक हिंदी अपनी मातृभाषा में आपको बता दूं, जरूरी है, लेकिन इसने, इस रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी भाषा को किस तरीके से लोकप्रिय कर दिया है कि अगर समझाना चाहे तो कोई भी किसी भी तरीके से समझा सकता है। तो मेरा ये कहना है कि सभी जितने भी मेरे युवा साथी, मेरे जितने भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं, मेरे से बड़े भाई, मेरे से छोटे भाई, जिनका वोट लगता है जो भी है, तो निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी को आपको जिताना है और इन्होंने जो संघर्ष अभी तक किया उस संघर्ष का इनको फल देना होगा। तो मैं मिलता हूं अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और रविंद्र सिंह भाटी को आपको जिताना ही होगा, जितने भी मेरे युवा साथी देख रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।